हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी होली आप सभी को। तो चलिए इस होली के त्यौहार पर हम बनाते हैं मालपुए, और वो भी सूजी और केले से। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही सॉफ्ट भी बनती है। तो इंग्रेडिएंट्स आपने देख ही लिया होगा और वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 1 कप सूजी लेते हैं एक बॉल में, और साथ में इसमें हम मिलाते हैं 1 कप दूध। दूध की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकती हैं, या अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखें, या ये बिल्कुल सही माप है 1 कप सूजी और 1 कप दूध, और दोनों को अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद हम 1 घंटे के लिए इसे ढककर छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेते हैं, जिसमें हम 2 केले को छीलकर और उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटकर डाल देते हैं, या आप रफली भी काटकर 2-3 हिस्से में करके डाल सकती हैं। इस तरह से, जिस तरह से कि मैं डाली हूँ। और साथ में हम इसमें ऐड कर देते हैं सूजी और दूध का जो घोल तैयार, मिक्सर जो तैयार किया था हमने वो। और यहाँ पर हम इसमें 1 कप मैदा ऐड करते हैं। जितनी सूजी की क्वांटिटी है उतनी ही दूध की क्वांटिटी लेनी है, और उतनी ही मैदे की क्वांटिटी लेनी है। अगर आप क्वांटिटी बराबर रखेंगे तो आपके ये मालपुए बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं, ज़्यादा या कम। मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, अदरवाइज हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी आप ले सकती हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, और इसे हम थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से मिक्स करके हम जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका एक घोल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह की घोल बनानी है आपको। तो घोल रेडी हो गया है और अब हम चलते हैं मालपुआ बनाने। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ली हूँ, और कढ़ाई में मैं यहाँ पर घी डाली हूँ। आप घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो घी है वो गर्म हुआ है या नहीं। हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, हमें हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो आपके मालपुए अच्छे नहीं बनेंगे। तो याद रखिए, गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। तो कढ़ाई भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम किसी कलछे की हेल्प से हम इसमें घोल को डालते हैं, और ये धीरे 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 पक जाएगा। जब ये थोड़ा पकने लगेगा तो इसके जो साइड जो एजेज हैं उस पर खुद ब खुद एक शेप सी बन जाएगी, और वो कट सी तैयार हो जाती है, और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए, जस्ट लाइक दिस। और ये खुद आपका जो घी या तेल जो भी आपने लिया ना, उस पर ये फ्लोट करने लगेगा धीरे धीरे। इस तरह से आपके मालपुए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। इस तरह से देखिए, ये खुद ब खुद फ्लोट करने लगेगा जब आपके एक साइड से तैयार हो जाएंगे। तो हल्का सा जब गोल्डन हो जाता है तो हम इसे पलट देते हैं, और फिर इस तरह से हम सारे मालपुए को बना लेते हैं। और ये धीरे धीरे, आप अगर आपके कढ़ाई की साइज बड़ी है तो आप 2 या 3 भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 डाल रही हूँ, और एक जब तक धीरे धीरे बनेगा, वो बनने के बाद वो फ्लोट करने लगेगा, तब तक दूसरा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपके मालपुए जल्दी बन जाएंगे, या आप चाहें तो 1-1 भी बना सकती हैं। देखिए, 1 बना और दूसरा हमारा ये तैयार होने वाला है, तो हम इसे भी पलट देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने मालपुए बनाकर तैयार कर लिए हैं, और एक सर्विंग बाउल में हमने सर्विंग डिश में सर्व कर लिए, और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और देखिए, ये इसके जो एजेज हैं किनारे, उस पर
वो कट के निशान आ गए हैं। अंदर से देखिए ये बिल्कुल खोखले बने और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं। तो बन गए हमारे मालपुए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक